हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते हैं और उसकी टिप्स क्या क्या हैं ये शेयर करूंगी। मैं सारे कपड़े जितने भी धोने हैं एक जगह कलेक्ट कर लेती हूं, फिर उन कपड़ों को डिफ्रेंशिएट करती हूं अकॉर्डिंग टू कलर्स। जैसे वाइट और लाइट वाले लाइट बेस के कपड़े हैं उनको मैं अलग रखती हूं, जो कपड़े कलर छोड़ते हैं जैसे ये वाले कॉटन के कपड़े हैं कलर छोड़ने वाले उनको मैं अलग कर देती हूं। और जो हार्ड वॉश वाले हैं जिनको ज़्यादा धोने की ज़रूरत है, जैसे चद्दर है, पिलो कवर है, जीन्स है, उनको मैं अलग कर देती हूं। तो ये बैचेस बना लिए मैंने और इन बैचेस के अकॉर्डिंग ही मशीन में डालती हूं। कपड़े कलर छोड़ते हैं उनका जो बैच मैं बनाती हूँ उसको मैं हैंड वॉश ही करती हूँ और उन्हें नमक की पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखती हूँ। अगर हम इनको वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो सारे कपड़े डिसकलर हो जाएंगे। मेरी IFB की 6.5 kg की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये स्मार्ट सेंस का ऑप्शन है, एक्सप्रेस का ऑप्शन है, डेलिकेटेड कपड़ों का ऑप्शन है, जीन्स का भी ऑप्शन है। इसके अलावा आप प्रोग्राम में जाके आप डायरेक्ट भी वॉश कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। तो इस मशीन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं दो तरह से कपड़े धोना दिखाऊंगी। ये पहला ऑप्शन होता है स्मार्ट सेंस का, जिसमें कि हम कपड़े पहले ही डाल देते हैं और स्मार्ट सेंस का ऑप्शन क्लिक करने पे ये अपने आप ही कपड़ों का वेट रीड करता है और अपने आप ही इसमें पानी उसके अकॉर्डिंग लेता है। ये देखिए ये कपड़े रीड कर रहा है इस तरह से। ये देखिए मैं वॉशिंग पाउडर सर्फ एक्सेल यूज़ कर रही हूँ और अक्सर लोग इसी तरह वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वॉशिंग मशीन चलने लगती है। तो जो ब्लैक कपड़े या डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो उसमें जाके इनके पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और वो छूटता नहीं है और धोने के बाद सूख भी गया कपड़ा और उसमें दाग लगे रह जाते हैं। तो मैं इसके लिए लिक्विड सोप यूज़ करती हूँ। ये सर्फ एक्सेल का ही लिक्विड सोप आता है मार्केट में। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ऐसे ही डायरेक्ट अगर इसमें लिक्विड सोप या वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं तो वो ठीक से कपड़ों में मिक्स नहीं होता है, वो एक दो कपड़ों में जाके जहाँ पे गिरा वहीं पे कलेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, चाहे सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक, हमेशा पहले उसमें कपड़े में पानी गिर जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसमें वॉशिंग पाउडर या लिक्विड सोप डालना चाहिए। वॉशिंग पाउडर डालने के लिए मैं एक ऑप्शन और दूंगी ताकि आपके कपड़ों पे दाग न लगे वॉशिंग पाउडर का, वो अच्छे से छूट जाए। इसके लिए मैं एक पैन में पानी गर्म करूंगी। एक पैन में पानी गर्म करेंगे और पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। हम एक कंटेनर लेंगे, इस तरह से कोई भी पुराना कंटेनर आप ले सकते हैं प्लास्टिक का, और इसमें हमें जितना भी वॉशिंग पाउडर यूज़ करना है आपके कपड़ों के अकॉर्डिंग वो हम डालेंगे 2-3 चम्मच, और इसके बाद वो गर्म पानी हम इसमें डालेंगे ये, और इसको हम टाइट बंद कर देंगे और कंटेनर को हिलाएंगे इस तरह से शेक करेंगे। तो इससे जो उसमें वॉशिंग पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं अच्छी तरह से घुल जाएंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से वॉशिंग पाउडर लिक्विड सोप में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम आसानी से वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट कपड़ों जैसे स्वेटर है, साड़ी है, इन सब के लिए मैं इजी यूज़ करती हूँ और या तो जेंटल यूज़ करती हूँ। ये मशीन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में अब हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े सूख कर ही बाहर निकलते हैं। देखिए कपड़े साफ़ हो गए हैं और कपड़ों को मैं धूप में फैलाऊंगी। धूप में डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों को हमेशा उल्टा करके ही फैलाना चाहिए, जिससे कपड़ों का कलर नहीं जाता। अब मैं सेकंड मेथड बताने जा रही हूँ। ये देखिए ये प्रोग्राम्स था जो फर्स्ट मेथड में मैंने यूज़ किया था स्मार्ट सेंस, और दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट वाटर लेवल सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और टाइमर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस मशीन में देखिए वॉश रिंस एंड स्पिन का ऑप्शन लॉक है, तो मैं सेकंड मेथड यूज़ करने जा रही हूँ। ये सेकंड मेथड मैं बताने जा रही हूँ। इसमें हम कपड़ों के अकॉर्डिंग वाटर लेवल सेट करते हैं और सबसे पहले पानी फिल करते हैं, और ये पानी फिल हो गया है। अब इसमें हम लिक्विड सोप डालेंगे और हम वो वॉशिंग पाउडर
का जो लिक्विड हमने बनाया था हम वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड सर्फ एक्सेल नहीं है या सोप नहीं है तो हम मैंने जो मेथड बताया है वॉशिंग पाउडर को लिक्विड सोप में कन्वर्ट करना, आप उससे भी डाल सकते हैं, इससे वो आसानी से पानी में घुल जाता है। हम एक एक करके कपड़े डालेंगे और ध्यान ये रखना है कि कपड़े खोल के डालने हैं। वॉशिंग मशीन में दो बार कपड़े वॉश होते हैं पानी से और उसके बाद फिर स्पिनर चलता है। और ये कपड़े साफ़ हो गए हैं और हम एक एक करके इनको निकालेंगे और धूप में डाल देंगे। एक एक करके कपड़े हम धूप में फैला देंगे। वैसे तो ये काफ़ी सूखे रहते हैं तो आधे से एक घंटा ही लगता है सूखने में, और हम क्लिप लगाना नहीं भूलेंगे। और लास्ट में मैं वॉशिंग मशीन को अच्छे से पोंछ देती हूँ। इसमें कुछ भी सोडा और ये डाल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वॉशिंग पाउडर डल चुका है और उससे काफ़ी साफ़ हो गया होगा, उसके बाद दो बार पानी डाल के स्पिन भी हुआ है। वॉशिंग मशीन पोंछने के बाद हम उसे थोड़ी देर के लिए ओपन रखते हैं कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और अगर अच्छे से ड्राई होगा तो स्मेल नहीं आएगी। ये था मेरा वॉशिंग शेड्यूल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।